अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ कहा जा सकता है अभी तक। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की, पार्ट 116। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अनित्या को थोड़ी सी सीता भाभी जी छेड़ देती है, तो वहाँ से वो हंसते हुए एकदम से जा रही थी। अब हॉल में इतने सारे लोग थे कि थोड़ी सावधानी से उसे उस साइड से निकलनी पड़ती, पर फिर भी वो एकदम से आके कशिश से टकरा जाती है। कशिश पीछे पलटते बोलती है, क्या कहाँ भाग रहे हो आप? नित्या बोलती है, मैं भाग तो नहीं रही हूँ, एक्चुअली इतने सारे बच्चे हैं और इतने सारे लोग हैं ना, कि मैं अगर थोड़ी स्पीडी से भी चलूँ तो किसी न किसी से टकरा जा रही हूँ। तभी कशिश बोलती है, ओके, पर ये चेहरे पे ब्लशिंग क्यों? नित्या बोलती है, अच्छा तुम्हें नज़र आ गई? कि हाँ बहुत अच्छी से, पर क्यों? तभी जो है नित्या एकदम से कशिश की ओर थोड़ी सी झुकती है, क्योंकि आसपास किसी को सुना ही ना था। बोलती है, अच्छा वो मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ, ये अगर तुम्हें जाननी है ना तो मेरे साथ तुम्हें कमरे में चलनी पड़ेगी, क्या तो क्या तुम तैयार हो? तभी एकदम से कशिश जो है घूरते हुए देखती है नित्या को, बोलती क्या 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 मतलब? हाँ मतलब तुम्हें जाननी है ना। तभी कशिश बोली, अब वो नहीं, मुझे कुछ काम है। तो ये एकदम से साइड से चली जाती है। नित्या हंस रही थी, अब बोलती कि अरे पर कशिश तुम्हें तो जाननी थी ना। बोली, अब नहीं जाननी, समझ गई मैं। काफ़ी स्मार्ट हो। और दूसरी और जो बरखा थी, वो अपनी जो बड़की मासी है उनसे बात वगैरह कर रही थी। जानवी तो बस अंदर से ही उसको आग लग पड़ी थी कि यार मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है, मतलब भगवान जी इतनी मोहब्बत मुझसे क्यों? क्यों दुनिया में लोगों की कमी पड़ गई क्या? जहाँ पे मैं होती हूँ कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो ही जाती है। आप मतलब और लोग नहीं दिखते आपको, केवल मैं ही दिखती हूँ? तो सीता भाभी आते हैं, बोलती कि अरे रे बेचारी, अब क्या ही कर सकते हैं। अब तुम वो कहती हो ना, तुम्हारी एक अलग ही चामनेस है, तो चामनेस के चमक में तुम नज़र आ ही जाती हो, तुम पे फोकस ज़्यादा हो जाता है ना। हाँ भाभी, बस आप ही की कमक मतलब कमी है ना, आप भी मतलब मौके को छोड़ते नहीं हो। अब जानवी की चीज़ें हैं, मौके भी तो चुन चुन के आते हैं ना मेरे पास। सही है भाभी, सही है। अब मैं आपको तो छेड़ नहीं सकती ना, क्योंकि वो ऑप्शन मेरे पास है नहीं। तब भी वो चुप हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब तो यही होता है ना कि सीता के हस्बैंड अगर होते तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो छेड़खाड़ कर लेती। तो एकदम से जानवी होती, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने एकदम से ऐसे बोल दिया, मेरी कोई वो मतलब नहीं थी भाभी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी सीता बोलती है, अरे पागल क्या है, इट्स टोटली फाइन। हाय भाभी, कम से कम एक आप ही तो हो जो हमें समझते हैं। और यहाँ देखो मतलब लोग तो ऐसे मतलब क्या ही बोले, नज़रअंदाज भी ऐसे कर रहे हैं जैसे हम इस दुनिया में है ही नहीं। तभी सीता भाभी एकदम से उसके शोल्डर पर मारती, बोलती भक्त पागल ऐसे कौन बोलता है? देखो तो देखो ना, एक बार मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, मतलब हम आपके है कौन, पहचान भी नहीं रही है। सही है, मैं भी ना चुन चुन के बदला लूँगी इस चुड़ैल से, मेरी सारे अरमानों पे पानी फेर दी इसने। तभी एकदम से जो सीता भाभी बोलती है, कोई ना बेटा, हो जाता है कभी कभार। अब पहले ये ध्यान में रखो कि पूरा परिवार है, और कुछ ऐसे वैसे हरकतें मत करना कृपा, कि कुछ बखेड़ा और खड़ा हो जाए। जानवी अपने सर पे सहलाते हुए बोलती कि भाभी यही तो दिक्कत है ना, कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या ले, मतलब क्या ये मसला है, और मैं जहाँ हूँ वह बखेड़ा खड़ा ना हो, आपको लगती है? सीता हंसती हुई बोलती कि देखो लगती तो नहीं है, पर फिर भी अलर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने कर दी, बाकी तुम्हारी ऊपर और तुम्हारी बंदी के ऊपर, मेरी बंदी फिलहाल तो क्या ही बोले। तो वक्त बीतने लगते हैं धीरे धीरे। अब इतने सारे लोग थे, सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे क्या कर रहे थे, इतनी दिन तक लेट क्यों आए, ये बहुत से सवाल। उस सवाल का जवाब देते देते थक चुकी थी वर्खा, बोलती बस बस, अरे आराम से, सारे मिलके सवाल कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मतलब सांस तो लेने दो, इतने सारे सवालों का जवाब मैं अकेले कैसे दूँ? हाँ तो तुमसे ही पूछ रहे हैं ना, कौन से तुम्हारे दोस्तों से पूछ रहे?
तभी जान भी आती है, बोलती है कोई नहीं हमसे भी पूछ लीजिए, हम दे सकते हैं जवाब। तो फिर वो बैठ जाती है। अब जाह्नवी से भी थोड़ी बहुत चीज़ें पूछाताछ होने लगती है कि तुम्हारे घर पे कौन कौन है, पापा क्या करते, बहुत से सवाल। और उसी दौरान ये पता चलता है कि कशिश और जाह्नवी जो है ये दोनों कज़िन सिस्टर्स हैं। अब वहाँ पे बड़की मासी जो थी वो थी नहीं, वो अपने कमरे में जा चुकी थी, उनको फ्रेश अप वगैरह होने थे। पर जैसे ही वो आती है नीचे, सब एकदम शांत हो गए थे। यही चीज़ जाह्नवी को थोड़ी बहुत खटक रही थी कि ऐसा क्या है इनके साथ कि इनके आते ही सबकी बोलती बंद हो गई। अब सवाल तो करनी थी उसको बरखा से। वो बरखा की ओर देखती है, बरखा जाह्नवी की आंखों की सवाल समझ चुकी थी और बोलती कि मुझे थोड़ी सी वक्त दो, शाम को बताऊंगी। तभी एकदम से उसके भाइयों में से जो वहाँ पे दो उसके कजन्स ब्रदर थे उनमें से एक बोलता है कि अरे बरखा वो पेड़ याद है? भाई साहब जैसे ही पेड़ की बात उठता है यहाँ पे जाह्नवी घूर के देखता है, बोलती है कौन से पेड़? बोलती है अरे ये हमारे हवेली के पीछे ना एक बहुत पुराना वो पीपल के पेड़ है। पीपल के पेड़? हाँ, और इस पेड़ को लेके तो बहुत से कहानियाँ हैं, आराम से फुर्सत से बताएंगे, सुनोगे? तभी एकदम से जाह्नवी खड़ी हो जाती, बोलती कि नहीं मुझे ना इन सारी चीज़ों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ कुछ नया कहो ना यार, मतलब गांव में स्पेशलिटीज़ या कुछ ऐसी खूबसूरत जगह हम वहाँ जाके घूम सकते हैं। तभी एक लड़का बोलती अरे घूम तो लेंगे, पूरा गांव घुमा देंगे, वो बड़ी बात तो नहीं है, पर पीपल का पेड़ हमारे यहाँ पे फेमस है ना इसीलिए। तभी एकदम से जाह्नवी बरखा की ओर देखिए, तो मनी मन बोलती कि इसका मतलब ये सच कही थी कि सच में? वो तो एकदम से कशिश की ओर देखती है। कशिश बोलती है डर मत, ऐसा कुछ नहीं है। तो एकदम से वो जो दूर लड़का है वो फेस एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि अब जो है जाह्नवी को सच में बहुत डर लगती है। तो अगर ऐसी चीज़ में हो तो वो छेड़े कैसे नहीं, मस्ती मजाक तो ज़रूर इसमें बनती है। यही सोच रही थी कि यार इतनी फट्टू है तो फ़ायदा भी उठानी चाहिए ना, इसके मज़े लेनी चाहिए। तो उसका दोस्त बोलती यार गेस्ट है, कम से कम छोड़ दो, और अपनी बहन की ही दोस्त है यार। अरे तो क्या हुआ, हमारे भी दोस्त है, मजाक मस्ती तो होनी चाहिए ना। देखिए मासी को पता चली ना बड़की मासी की, तो कान मड़ोल देंगे, तू ना शांत रख ठीक है? तो दोनों तो शांत हो जाते हैं। इधर जाह्नवी एकदम से बरखा के पास जाके बैठे, बोलती कि बरखू क्या सच में? तो बरखा बोलती कि तो क्या तुम्हें क्या लगी थी कि मैं झूठ बोल रही थी? बरखू सुनो ना, वो क्या तुम्हारे कमरे में मुझे मतलब थोड़ी सी स्पेस दोगी? तभी जो है बरखा बोलती कि मेरे कमरे में जगह तो बचेगी तब ना दूँ, मतलब? तभी उनमें से तीन चार बच्चे आ जाते हैं, बोलती कि हम ना जब भी दी आते हैं ना तो हम तो दी के साथ सो जाते हैं क्योंकि दी हमें कहानियाँ सुनाते हैं। भाई साहब जाह्नवी की पूरी आग लग चुकी थी कि हद हो गई, हद हो गई, मतलब मैं इतनी दूर से उसके साथ आई हूँ कि हम सब इकट्ठे मिलके टाइम स्पेंड करेंगे, और यहाँ पे तो फिर गुस्सा हो जाता है और वो जाके कशिश के साथ बैठ जाती है अपनी मुँह फुला के। कशिश बोलती है सिचुएशन को समझ लेना। कौन सी सिचुएशन? इससे अच्छा तो हम कहीं और चले जाते, इसके बाद में आ गई मैं, फंसा दी इसने, हद हो गई, मेरी सारी चीज़ें ख़त्म। क्या चीज़ें ख़त्म? मतलब यार, मतलब आपस में बात वगैरह करते, टाइम स्पेंड, वो सारी चीज़ गए। हाँ तो अब भी तो कर रहे हैं। तो भी एकदम से जो जाह्नवी बोलती कि तू ना ज़्यादा शियानी बनने की कोशिश मत कर, तू भी मेरे साथ चाहे सोएगी, मुझे नहीं पता। बोलती कि क्या देखो ऐसी कोई, देखो देखा ना, अपने पे बात आई तो सुर बदल गए, ऐसी होती है, मतलब सबको देख लूँगी मैं। तो चुप हो जाती है क्योंकि तब तक आके बड़की मौसी बैठ चुके थे। और जाह्नवी एक चीज़ नोट करती है कि सब तो पूछ रहे थे बरखा से, लेकिन जो बड़की मौसी है वो बरखा से अपनी बरखा की मम्मी पापा के बारे में कोई बात नहीं कर रही थी। वो आती है बरखा की नानी से, पूछती कि अब तबीयत ठीक है ना, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बैठो आराम से, खाओ धाओ और अच्छे से सो जाओ ठीक है ना, और आप तो आपकी गुड़िया भी आ गई है। तो बोलती कि हाँ हाँ गुड़िया तो आ गए है, अब तो बस
कुछ नहीं चाहिए मुझको, ठीक है, हाँ बस कुछ नहीं चाहिए, तो स्ट्रेस नहीं लेनी है, जैसे जैसे आपके नर्स कहते हैं वैसे वैसे करो, ठीक है, और सबका सब कुछ हो गया है? तो सब एकदम से बोलती है हाँ हाँ जी दी, सब सब कुछ हो गया है। तो वहाँ पे वो क्या करती है, वो जाती है और एक साइड पे बैठ जाती है, बैठ जाती है, और उनके साथ उनके जो और भी बहनें थे वो आपस में चीज़ें कुछ कर रहे थे। इधर जानवी वो बोलती कि बहुत डिफरेंट है ना, कशिश भी बोलती कि बहुत तो नहीं कह सकते पर थोड़ी बहुत तो हाँ है। ऐसे ही वक्त बीतने लगते, रात में सब इकट्ठे मिलके डिनर वगैरह करके, जो बरखा के कजिन्स वगैरह थे सब बोलते कि यार छत पे चलो ना यार, वहाँ पे बात वगैरह करेंगे, बहुत मज़ा आएंगे। तो वैसे ही होते हैं, सब छत पे जाके बैठ जाते, वहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें थे कि सोफे वगैरह लगे हुए थे, तो सब वहाँ पे बैठते और बहुत अच्छे से मस्ती मज़ाक के साथ बात कर रहे थे, पुराने चीज़ों को याद कर रहे थे, बरखा की चीज़ें बताई जाती कि बचपन में वो कैसी थी, जिसे बड़ी इंटरेस्ट के साथ हमारी जानवी सुन रही थी अपनी गाल पे एक हाथ रख के। कशिश देखते बोलती बस क्या कर रही है, बोलती नहीं सुन रही हूँ, अच्छी लग रही है। हाँ हाँ अपनी पसंदीदार चीज़ें अगर सुनने को मिले तो ज़रूर अच्छी लगेगी। तभी जानवी बोलती है हाँ ये भी सही है, कि तभी बात करते करते एकदम से फिर से वो पीपल की पेड़ की बातें उठ जाती है। तो जानवी फिर से बोलती है ये सब टॉपिक मुझे अच्छी लगती है, बस इसी टॉपिक को छोड़ दो ना यार, और भी कई सारे टॉपिक हैं उस पर बात करो ना। बरखा तुम बचपन में क्या करती थी वो सारी चीज़ बताओ ना, ये पीपल के पेड़ वगैरह को साइड हटाओ। तभी वो दो लड़कों में से बोलती कि क्या हुआ तुम्हें डर लगता है क्या? तभी जान बोलती नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगती, पर बस ये इंटरेस्टिंग नहीं है ना। तभी एकदम से जो लड़का है वो बोलती अरे यही तो इंटरेस्टिंग है। तभी बरखा बोलती कि हाँ यही इंटरेस्टिंग है। तभी जान भी बोलती कि तुम ना देखो मैं पहले से तुमसे गुस्सा हूँ, चीज़ों का ना बढ़ाया मत दो ऐसे, वरना ना मैं बात नहीं करूँगी, मैं कह रही हूँ। तो बरखा बोलती हाँ ठीक है मजाक ही तो कर रहे हैं, क्या तुम भी बोलती कि क्या तुम भी का पहले भी बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हो तुम, फिर भी बात कर रही हो ना। मैं हम मैंने क्या किया वो तो कभी फुर्सत में बताऊंगी मैं तुमने क्या किया है। बड़ी आई तो वहाँ पे जो जानवी है वो बरखा को कहकर वो टॉपिक चेंज करने लगती। फिर जानवी की दिमाग में वो पिन करती कि आखिरकार ये बरकी मासी की क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे नित्या और कशिश भी बैठी हुई थी, तो हल्की हल्की सी ठंड भी लग रहे थे, तो ये लोग सारे कुछ के पास तो शॉल थे, तो एकदम से बरखा के एक मासी आते कुछ शॉल लेके और दे देते, बोलते कि ऐसे बैठे रहोगे ना तो ठंड लग जाएगी, ये शॉल ओढ़ के बैठ जाओ। तो शॉल ओढ़ के बैठे, और वहाँ पे जो नित्या के पास एक शॉल थे और ज़्यादा तो लाए नहीं थे, तो नित्या एक साइड में शॉल को अपनी ओर ओढ़ती और एकदम से कशिश को बोलती कि थोड़ी करीब आ जाओ। कशिश चारों ओर देखते बोलती कि क्या बोल रहे हो आप, थोड़ी करीब आ जाओ मतलब यहाँ इतने सारे लोग? नित्या थोड़ी सी तीखी स्माइल के साथ कहती कि कशिश मैं इतने लोगों के सामने तुम्हें कुछ थोड़ी ना करूँगी, बी रिलैक्स, अब इतनी भी बेशर्म नहीं हूँ मैं, इतना तो समझती हो ना मुझे। कशिश हंसती है और वो थोड़ी सी खिसकती है, तो नित्या बड़ी अच्छी से उसको अपनी साइड पे कर लेती है और शॉल को दोनों के ऊपर वो ओढ़ लेती है। बड़ी क्यूट लग रहे थे दोनों। अब जानवी को भी ये करनी थी लेकिन वो कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि बरखा के राइट साइड में उसके एक कजन्स थे जो सिस्टर थे, और दूसरे साइड पे उसके एक ब्रदर। अब जानवी जाकर भी नहीं कर सकती थी, उसे फिर उसी बात की भी फिर से चीड़ होने लगती है कि लोग मतलब हर सिचुएशन में मोमेंट बना लेते हैं, और यहाँ मैं मोमेंट बनाने के लिए तैयार हूँ पर कुछ होते ही नहीं है, क्या मतलब सीन है ये, सारी चीज़ मेरी को ही क्यों मिलती है। बेचारी को शिकायत तो बहुत थी पर करे किससे। और एकदम से जैसे ये होता है तो जानवी वो पूछ लेती कि अरे बताओ वरखा, बताओ ना तुम्हारी वो बड़की मासी की क्या सीन है, मतलब तुम सारे उनसे इतना डरती कि वो ऐसा, वो नहीं भी खड़ूस तो लगती नहीं है, बड़ी प्यारी है, बड़ी क्यूट लगती है, फिर भी
तुम सब इतने क्यों डरते हो? तभी वो लड़का बोलते कि तुम ही नहीं जानते हो ना उनको, मतलब देखो ऐसे है कि गलती किसी से हो ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो सुना देगी, और चाकू की धार से भी ज़्यादा उनकी जुबान की धार है। अच्छा ऐसा क्या है? पर मैं कुछ पूछ रही हूँ ना कि क्यों, ऐसा क्यों है? वैसे उनके फैमिली नहीं है। तभी जो बरखा है बोली कि जानवी एक्चुअली मासी की शादी हो गई थी, वो भी हमारे इसी गांव से थोड़ी सी पास में ही है, वहाँ पे हुए थे। तो मेरे जो मौसा थी जी थे ना वो बहुत अच्छे थे। शादी के बाद दोनों के बॉन्ड से पूरे गांव शॉक थे, क्योंकि अरेंज मैरिज थे हमारे यहाँ, तो लव मैरिज वगैरह चीज़ें होते नहीं थे उस वक्त तो। पर मौसा जी का प्यार मासी के लिए बेशुमार थे। अगर मासी जी कुछ कहे कि मुझे ये खानी है, फिर चाहे वो गाँव हो या ना हो, मौसा जी जैसे तैसे वो ला के देते थे। अच्छा इतना प्यार करते थे वो, थी बहुत ज़्यादा। वो कभी भी मासी की आंखों में आंसू आने ही नहीं दिया। कभी अगर मासी की तबीयत खराब हो जाते थे ना तो घर के सारे काम, खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, सब मौसा जी करते थे। जिसके लिए इनको ना वो मौसा जी को बहुत ताने भी मिलते थे गाँव वालों से, पर उनको कोई फ़र्क पड़ती नहीं थी इन सारी चीज़ों से। मुझे ओके तो अब वो है कहाँ? तभी बरखा थोड़ी सी भावुक सी हो जाती है, बोलती कि एक्चुअली शादी के लगभग 4-5 साल बाद मासी की एक बेटी हुई थी। बोलती कि ओके, फिर बोलती कि उसके बाद लगभग 8 साल तक चीज़ें नॉर्मल थी, उनका बेटी बहुत प्यारी थी। बोलती कि ओके, उसके बाद फिर 8 साल बाद जो मौसा जी है वो अपनी बेटी को लेकर थोड़ी सी, क्योंकि हमारे इस गांव से एक दूसरे गांव में मेले लगे थे, तो अब मासी की बेटी जिद करने लगी थी कि उसे मेले में जानी है। मासी को भी जानी थी पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मौसा जी को बोल दिया कि तुम इसको लेके घूम के आओ, ये शांत हो जाएगी। तो मौसा जी ने भी वही करी, पर मेले से जैसे आने लगे थे तब एक्सीडेंट में मौसा जी और उनकी बेटी दोनों ही उस एक्सीडेंट में मारे गए हैं, आई मीन बाय एक्सीडेंटली। तभी एकदम से जो जानवी बोलती कि ये बहुत बुरी हुई, तो तब से उनकी ये हालत है? बोलती कि नहीं, तब से हालात ऐसी नहीं थी, वो अपनी ससुराल में ही थी। पर दिन जैसे जैसे बीतने लगे थे उनके हालात ख़राब होते रहे, पर फिर भी वो अपनी ससुराल से आई नहीं, उनके ध्यान वो खुद रख रही थी। पर धीरे धीरे गांव वाले की नज़रिया अलग होने लगते हैं। गांव वाले का काम तो अजीब ही है, इनके सोचने का तौर तरीके ही अलग है। मासी अपनी चीज़ों को लेकर जूझ रही थी, अपनी बेटी और पति को खोकर वो एकदम से चुप सी हो गई थी, बस चुप से अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, जैसे कि उनके सास ससुर है उनके देखभाल वो कर रही थी। बहुत सी चीज़ ऐसे होते हैं कुछ वक्त बीत जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगते हैं अब गांव वालों की सच्चाई सामने आने लगती है। वो ताने पे ताने दे रहे थे, कोई भी अगर कोई शख्स हो, मर्द हो, वो जाते थे अगर कुछ काम के लिए भी तो, अब मतलब उनके घर के आसपास भी होते थे तो बातें बनाने लगते हैं कि पति और बेटी जाने के बाद ये चीज़, समझ रही हो ना? तभी जानवी होती कि छी, मतलब इतनी गंदी सोच। उस गांव के सोच कुछ इस तरह की है। दिन पे दिन चीज़ें बढ़ते जा रहे थे, ताने पे ताना। लगभग 2 साल तक मासी वहीं पे रहती है, पर जिस चीज़ें हद से पार हो जाती है, और वो एक दिन सबको जवाब दे भी देती है, और फिर वहाँ से वो यहाँ, एक्चुअली वो नहीं आते हैं पर मेरे नाना जी उनको वहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं। फिर कुछ साल बाद उनके सास जो है वो गुजर गए थे, उसके कुछ साल बाद उनके ससुर जी, बस वो देख के यहाँ पे चली आई थी। उसके बाद से मासी जी ऐसी है, और हम सब मासी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसी हुए में उनसे डरते हैं बस। और इस घर की लगाम उनके हाथ में ही है, बोल सकते हो। तभी जानवी बोलती कि वेरी सैड यार, मुझे नहीं लगती थी कि इतनी चीज़ होगी,
उनके लिए तो रिस्पेक्ट और बढ़ गई। तभी एकदम से जो जानवी है वो पूछती है, ओके ये तो समझ गई, पर एक बात बताओ, सपने तुमसे ये पूछा कि तुम्हारी मम्मी पापा कैसे, माँ कैसी है, क्या कर रहे, वो क्यों नहीं आई? पर केवल वही है जो नहीं पूछी, ऐसे क्यों? तभी वहाँ पे बरखा की एक मासी बैठी थी, वो इतनी ज़ोर से हंस पड़ती। तो जानवी बोलती कि ऐसा मैंने क्या पूछ लिया, मैंने कोई जोक भी नहीं मारी, किस बात पे हंसी आप? तो एकदम से बोलती कि वो इसलिए ना क्योंकि इसके माँ बाप ने भाग के शादी करे हैं और हमारे घर पे लव एंगल नहीं चलते हैं। जानवी शॉक्ड हो जाती, बोलती कि हैं कि क्या बोल रहे हो? बरखा बोलती कि सच ही बोल रहे हैं, एक्चुअली पापा अदर कास्ट से है, मतलब समझ रही हो, तो हमारे चीज़ें मेल नहीं खाते थे, तो पता थे पापा के घर वाले वो मानेंगे नहीं, पर मम्मी पापा को शादी करने थे। हाँ तो क्या पहले मम्मी ने मासी से बात करी थी तो मासी ने सीधा मना कर दिए कि नहीं, अब फ्लो फ्लो में ये सारी चीज़ कर रहे हो, बाद में तुम दोनों को ही चीज़ें झेलनी पड़ेंगे, तो इससे अच्छा कि चीज़ों में मत फंसो, लड़कों की कमी नहीं है ये वगैरह बातें। तो मासी और मम्मी के बीच झगड़े वगैरह हो गए और अगले दिन मम्मी भाग चुकी थी और तब से मासी मम्मी से बात नहीं करती है। तो भी जानवी होती है, भाई साहब अरे पर अब हमारी क्या होगी? तो भी एकदम से बरखा उसे घूर के दिखते हैं और मतलब वो उसके इशारों में बातें ये थी कि मतलब क्या है इतने सारे। तभी जानवी चुप हो जाती है, कशिश एकदम से जानवी की शोल्डर पे चिमटी काटती है। जानवी बोलती है अरे फ्लो में निकल गई, हाँ तो बस थोड़ी धैर्य रख तू, ये तेरी ये फ्लो फ्लो में ना कुछ और ही ना निकल जाए। तो वहाँ पे सब हंसते करते करते लगभग रात हो चुके थे। तो अब एकदम से बरखा की वो मासी जो थे इनके साथ, वो बोलती कि बस अब बहुत देर हो चुके हैं, बहुत सारे गप्पे शप्पे मार लिए, अब आराम से जाओ, वैसे भी पूरे दिन की थकान रह गई है, रात गुजार जाने दो, फिर सुबह होती फिर बाकी सारे बातें लेकर बैठ जाना। तो वही होता है, ये लोग सारे जाते हैं लेकिन जानवी की पूरी मुँह बस ऐसे लगती है कि पूरे अरमान तो गए, पर थोड़ी सी भी कुछ चीज़ें थी जो बरखा उसे इग्नोर करके चली जाती बिना कुछ कहे। भाई उसकी चेहरे की हालत देख के जो सीता भाभी है बोलती कि अरे क्या हो गई है? या भाभी आप ना बार बार मुझे ऐसे मत बोलो कि अरे क्या हुआ बेचारी, ये मुझे लाचारी वाली फील दे रही हो आप। और ये है कि इसको कोई फ़र्क पड़ती नहीं है, देखा एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखी, चली गई। तो एकदम से नीता बोलती कि कोई नहीं जानवी, क्या हो जाता है अगर एक दिन बिना उसके रहोगे? तो जानवी घूर के देखते बोलती कि आप ना मुंह मत खुलाओ मेरी, ठीक है ना, वैसे भी ना कशिश को मेरे साथ होनी चाहिए, मैं उसकी बहन हूँ और आपकी भाभी और आप इकट्ठे रहनी चाहिए उस हिसाब से। तो तभी नीता बोलती अच्छा ये तय कौन करेगी, तुम? और नहीं तो क्या, वो मेरी बहन है, कशिश मुझे तेरे साथ सुनी। तभी नित्या बोलती कि बेटा अब तो चीज़ें तय हो चुकी है, तो आराम से ना चुप से निकल जाओ यहाँ से। और वो एकदम से कशिश को बोलती कि चलो। अब कशिश भी जानवी की ओर देखती, जानवी बोलती कि कशिश आज अगर तू गई ना तो समझ लूँगी तुझे मुझसे प्यार नहीं है। तभी कशिश होती हद हो गई, ये सारी चीज़ में ये कहाँ से आई? हाँ तो आएगी ना, मतलब मैं अगर ऐसी सिचुएशन हूँ तो तुझे भी होनी चाहिए। तभी नीता बोलती कि जाओ जाओ ये शिकायत ना अपनी मैडम से करो, उसी की ये करा है, हमने कुछ नहीं किया, हमारी शांति को क्यों भंग कर रही हो तुम? और वहाँ से नीता एकदम से कशिश को ले जाने लगती, तो कशिश बोलती एक मिनट। वो आती है बोलती कि जानवी क्या हो गई है, तू भी तो समझना चीज़ों को। तो जानवी बोलती है मजाक कर रही थी, इतनी भी ना समझ नहीं हूँ, तुम लोग पता नहीं मुझे क्या समझ के रखे हो, मतलब मैं मजाक भी ना करूँ? होती है नहीं नहीं ठीक है कैरी ऑन कंटिन्यू कर। और वहाँ से कशिश चली जाती है। अब सब अपने अपने कमरे में जाते हैं और यहाँ पे सीता और जानवी भी जाती है। अब जानवी को नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवटे बदल रहे थे और बार बार उसे उसकी एकदम से वो ध्यान आते कि हवेली के पीछे ही एक पीपल की पेड़ है, तो वो बार बार विंडो की आसपास देख रहे। तो सीता को समझ आ जाते, वो देखिए तुम ना ऐसे फट्टू निकलोगी ये तो समझी नहीं थी मैं,
भाभी फट्टू क्या होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ब्रेव हूँ, पर पता है ना कुछ चीज़ें मुझे वो, हाँ, समझ आ रही है, बातें तो ऐसे करते हो कि वो देखिए बातों पे मत जाइए, पर जो चीज़ है वो है, अब मैं क्या करूँ इसमें? देखिए, नहीं, तुम क्या करोगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं, सारे मिलके मेरी ही मजाक उड़ाओ, और इस वर्खा की तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, बस मिल जाए मुझे। अभी सीता बोली, अब बड़बड़ाना बंद करो, राहुल सो चुका है, तुम भी सो जाओ। हाँ, बस यही तो है, और क्या कर सकती हूँ। तो वो ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। दूसरी ओर पे बढ़ते हैं नित्या और कशिश, वो लोग भी बेड पे जा चुके थे। नित्या कशिश को एकदम से टाइटली हग करती है, तो कशिश बोलती है, क्या, बस हग ही कर रही हूँ, कुछ थोड़ी ना कर रही हूँ, वैसे तुम आज पूरी दिन मुझसे भाग क्यों रही हो, मैंने कुछ किया है क्या? कशिश बोलती, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगती है कि आपने कुछ किया है? आई डोंट नो, जिस तरह से तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश, तभी कशिश बोलती कि शह, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको और अवॉइड कभी नहीं, वो बस इसलिए क्योंकि हम एक जगह पे आए हैं, ये एक परिवार है, तो थोड़ी बहुत माइंड रिफ्रेशनेस के लिए आए हैं ना, तो जहाँ पे आए हैं वहाँ के लोगों का, उनके बारे में भी तो सोचे, बात वगैरह करते हैं, परिवार है तो उसी हिसाब से कि किसी को ये ना लगे कि हम केवल अपने में से है। तो एकदम से नीता होती है, ओह इतना सोचती हो तो मुझे, मैं नहीं सोची थी ये, पर सोचनी चाहिए ना। तो नीता होती कि हाँ, मैं कभी कभार भूल जाती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। विकशी हंसती है और नित्या की फॉरहेड पे किस करती है, वो तो ऐसा नहीं है, बस कभी कभार हमें कुछ सिचुएशन समझ आ जाती है और कभी कभार थोड़ी लेट समझ आती है, बस इतु सिफत मतलब अंतर है। समझ गई, एक तुम हो और ये तुम्हारी वो बहन, आफत नहीं, वो आफत तो बिल्कुल नहीं है, पता है वो बेहद खुश नसीब इंसान है, और मैं बेहद खुश नसीब इंसान भी हूँ इसीलिए क्योंकि आई हैव अ सिस्टर लाइक जानवी। पता है हमें अगर कुछ चीज़ बुरी लगती है ना, तो हम वो चीज़ मन में बैठ जाते हैं और हम उससे निकलने में वक्त लग जाते हैं, हम कुछ ना कुछ करते उससे निकलने के लिए। जानवी ऐसी शख्स है कि से उसे ये सब की ज़रूरत है ही नहीं, मस्त मौला अपनी खुशी के साथ वो खुश रहती है, कुछ भी चीज़ों में वो खुशी ढूंढने लाती है, उसका काम खुशी ढूंढना नहीं खुशी बांटना भी है, वो खुद खुश रहती है और सबको खुश भी रखती है, ये एक स्पेशलिटी है। तभी एकदम से नित्या बोलती कि तुम्हें नहीं लगता तुम गलत बातें कर रही हो मेरी बाहों में? कशिश बोलती कि सॉरी नहीं, तुम इस तरह मेरी बाहों में हो, मैं तुम्हें ग्रैब करके रखी हूँ, कुछ अच्छे बातें करेंगे, और हम बात कर भी रहे तो जानवी के बारे में, सीरियसली हमारी बातें करते हैं। फिर कशिश हंसती है, देखिए अच्छा तो हमारी बातें करनी है, देखिए अच्छा चलो करते हैं। इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत अच्छे खासे बातें होते हैं, थोड़ी बहुत लवी डबी मोमेंट्स भी होते हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि अब एक थकान तो थी ही, तो सो जाते हैं ये लोग बात करते करते। दूसरी साइड पे जानवी को नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार इधर उधर पलट रही थी, सीता भी सो चुकी थी, पर लगभग रात के 1 बजे थोड़ी सी आहट उसे सुनाई देती, उसकी पहले से फटी पड़ी थी पीपल की पेड़ के बात सुन के, और वो एकदम से उसके बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगते हैं, और हल्की आवाज़ में कहती कि कौन है? सीता भाभी तो देखती, सीता भाभी तो गहरी नींद में जा चुकी थी, अब उसकी तो और ज़्यादा ख़राब होने लगती है, हालांकि तो बोली फिर हे भगवान प्लीज़ बचा लियो, अब कौन से आत्मा आ गए, देखो भाई तुम जो 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 भी हो मुझसे कुछ मिलेगी नहीं, तुम तो मुझसे दूर रहो, मैं बहुत मतलब अरे यार क्या करूँ मैं। और तभी एकदम से दरवाज़ा ओपन होते, जैसे दरवाज़ा ओपन होते भाई साहब जानवी की जान तो मानो हलक तक पहुंच चुकी थी, और वो चिल्लाएगी कि तभी सामने से बरखाते बोल कि खबरदार चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। जानवी अपने दिल पे हाथ रखे बोलती कि जो चुड़ैल कही कि तुम किसी दिन इसी हरकत से मुझे मार दोगी, कि अब तुमने मुझे ये नाम दिए है तो इस नाम का कुछ तो असर होगी ना, सीरियसली मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाती, नहीं आई ना, और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकती, कि क्या बकवास है ये, ऐसे कौन आता है,
हाँ तो क्या चाहती हो, मैं पूरे मोहल्ले के उठा कर आऊँ, हाँ नगाड़े बजाऊँ तुम्हारे लिए कि जानवी बेबी सुनो मैं आ रही हूँ। तो भी एकदम से जानवी होती, बस बहुत हो गई, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल।